जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत खजुरिया छिल्ला के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पिछले एक साल से मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा था। हमने एक साल पहले इसी पर एक वीडियो बनाया। आज हम इधर पूर्व माध्यमिक विद्यालय छिल्ला में जो SMC की मीटिंग हो रही है उसमें प्रतिभागिता करने आए हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं मिड डे मील का जो खाद्यान्न है इसमें ये तुअर की दाल है जो मटर मिक्स है और पूरी की पूरी दाल खराब है, इसमें कीड़े हैं और ये घुनी हुई दाल है। इस दाल में आप देखिए पूरे दाल छेद हैं, पूरे दाल में ये खाने योग्य दाल नहीं है ना। खराब खाने के जिम्मेदार कौन है? खराब खाने के जिम्मेदार प्रधान जी हैं और प्रधान अध्यापिका महोदय हैं और साथ ही साथ SMC जो गांव की समिति बनी है इसकी निष्क्रियता के कारण और ये खाना जो है ठीक ठाक नहीं बन पा रहा है। और उस वीडियो के सहयोग से और SMC के सहयोग से अब उस विद्यालय में नियमित मध्याह्न भोजन बन रहा है और गुणवत्तापूर्ण भोजन बन रहा है। जब कीड़े निकले थे दाल में तो वो ग्राम प्रधान भेजता था, उसके बाद से खाना अच्छा बन रहा और मीनू के अनुसार ही बनता हमारे विद्यालय में। कभी ऐसा नहीं है कि मीनू कुछ और हो और हम लोग कुछ बनवा रहे हैं। ये समस्या कैसे हल हुई? ये हमारे ये ग्राम छिल्ला के शंकरलाल जी हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी तो वो फोटो वगैरह भी ले गए थे और उसके बाद से उन्होंने जो भी कार्रवाई की हो उसके बाद से खाना बहुत अच्छा बन रहा है। क्या आपके स्कूल में जो समस्या थी MDM की, क्या उसमें बदलाव आया, सुधार हुआ? हाँ बिल्कुल बदलाव आया है। अब खाना कैसे आया वो बदलाव? वो जैसे हम लोग ने जो वीडियो शंकरलाल जी ने बनाया था वो वीडियो पूरा लेके उनको भी दिखाए हम लोग और उसको उसी वीडियो को लेके हम लोग अब भी उनके BSA साहब के पास गए, शिकायती पत्र भी सौंपा। तब से वो वीडियो देख के फिर BSA साहब ने उस पर कार्रवाई की। खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है, मधुर मिलता है। अभी बीच में से कोई नहीं उठा बैठेगा। खाना मेन्यू के हिसाब से मिलता है जी। दूध मिलता है जी। कितना मिलता है? जिसको जितना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो वॉलंटियर के सहयोग से मैं अपने कैमरे के माध्यम से समुदाय की समस्याओं को उठाता रहूं और उन पर बदलाव लाता रहूं। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।